गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पिछली कक्षा में बीए सेकंड ईयर में जापान की डाइट के बारे में पढ़ रहे थे कि जापान की डाइट जो है उसकी शक्तियां और कार्य। तो हमने पिछली कक्षा में जापान की डाइट के कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय क्षेत्र में हमने उसकी शक्तियां पढ़ी थी कि जापान की डाइट को कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तो अब हम आगे उसकी और शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि जापान की डाइट की अन्य शक्तियां क्या हैं। तो कल हमने कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय क्षेत्र में जापान की डाइट की शक्तियां और अधिकार पढ़े थे, और अब जो अगली चौथी जो है उसकी शक्ति है वो है न्यायिक क्षेत्र में शक्तियां। तो देखिए, हम डाइट की शक्तियां और कार्य पढ़ रहे थे, इसमें हम अगला पॉइंट लेते हैं न्यायिक शक्तियां और कार्य। न्यायिक शक्तियां और कार्य, देखिए जापान की डाइट को कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय क्षेत्र की तरह उसे न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो देखिए, डाइट की न्यायपालिका से संबंधित प्रमुख शक्तियां, डाइट की न्यायपालिका से संबंधित प्रमुख शक्तियां एवं कार्य, प्रमुख शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार है। प्रमुख शक्ति एवं कार्य इस प्रकार है। तो देखिए, डाइट की न्यायिक क्षेत्र में जो पहली शक्ति है, डाइट न्यायपालिका के संगठन के बारे में पहली शक्ति है। डाइट न्यायपालिका के, डाइट न्यायपालिका के संगठन के बारे में, डाइट न्यायपालिका के संगठन के बारे में न्यायपालिका के संगठन के बारे में कानून बना सकती है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका करती है, लेकिन डाइट इन नियुक्तियों पर पुनर्विचार
पुनर्विचार करती है। डाइटी नियुक्तियों पर पुनर्विचार करती है, विचार कर सकती है, सॉरी करती नहीं है, कर सकती है। पुनर्विचार कर सकती है। अगला है डाइट भ्रष्ट आचरण तथा डाइट भ्रष्ट आचरण हीन भ्रष्ट आचरणहीन तथा कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले न्यायाधीशों कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले न्यायाधीशों के आचरणहीन तथा कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कर सकती है, महाभियोग की कार्यवाही कर सकती है, महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। तो देखिए, इस उद्देश्य से डाइट दोषारोपण समिति तथा इस उद्देश्य से डाइट दोषारोपण समिति तथा महाभियोग न्यायालय महाभियोग न्यायालय की स्थापना महाभियोग की न्यायालय की स्थापना करती है महाभियोग न्यायालय की स्थापना करती है। तो देखिए, हम डाइट की न्यायिक क्षेत्र में ये शक्तियां देखते हैं कि डाइट को न्यायपालिका के संबंध में भी प्रमुख शक्ति एवं कार्य उसको प्राप्त है। डाइट न्यायपालिका के संगठन के बारे में कानून बना सकती है, उसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो कार्यपालिका करती है, लेकिन डाइट इन नियुक्तियों पर पुनर्विचार कर सकती है। इसी प्रकार डाइट भ्रष्ट आचरणहीन तथा कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कर सकती है, महाभियोग लगाती है, जो कि भ्रष्ट न्यायाधीश हैं और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। ऐसे न्यायाधीशों के खिलाफ डाइट जो है महाभियोग लगा सकती है और इस उद्देश्य से वह दोषारोपण समिति तथा महाभियोग न्यायालय की स्थापना करती है। तो देखिए, इस प्रकार से डाइट को न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और डाइट की अन्य शक्तियां हम देखते हैं कि अन्य शक्तियां उसे किस प्रकार से प्राप्त हैं। तो देखिए, डाइट की अन्य शक्तियां अन्य शक्तियां
अन्य शक्तियां, पहला है संविधान के संशोधन के कार्य की शुरुआत, संविधान के संविधान के संशोधन की शुरुआत, संविधान के संशोधन की शुरुआत, संविधान के संशोधन की शुरुआत डाइट ही करती है, डाइट ही करती है। डाइट के किसी भी सदन में संविधान में संशोधन का डाइट के किसी भी सदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो देखिए, डाइट के किसी भी सदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगला है, डाइट के दोनों सदनों को डाइट के दोनों सदनों को डाइट के दोनों सदनों को अपनी योग्यताएं डाइट के दोनों सदनों को अपने सदस्यों की योग्यताएं दोनों सदनों को अपने सदस्यों की योग्यताएं को अपने सदस्यों की योग्यताएं अपने सदस्यों की योग्यताएं निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। डाइट के दोनों सदनों को अपने सदस्यों की योग्यताएं निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी सदस्य की योग्यता के बारे में योग्यता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका फैसला संबंधित सदन ही करता है। प्रत्येक सदन को
प्रत्येक सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पारित करके किसी सदस्य की सदन की किसी सदस्य की सदन की सदस्यता को मुक्त कर सकता है अगला है राजवंश के उत्तराधिकारी संबंधी कानून का निर्माण डाइट करती है तथा इस संदर्भ में किसी भी तरह के विवाद पर डाइट ही निर्णय देती है। तो देखिए, इस प्रकार से जापान की न्यायिक शक्ति और कार्य के साथ जापान की डाइट को अन्य शक्तियां और अधिकार भी प्राप्त हैं कि संविधान के संशोधन की शुरुआत डाइट में ही की जाती है और डाइट की किसी भी सदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। फिर है अगला है डाइट के दोनों सदनों को अपने सदस्यों की योग्यताएं निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। तो यदि किसी भी सदस्य की योग्यता के बारे में कोई भी विवाद या कोई भी मतभेद या गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसका फैसला संबंधित सदन ही करता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जापान की डाइट के दो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। दोनों सदनों में जो भी सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं निश्चित करने का अधिकार उस सदन को होता है, संबंधित सदन को यह अधिकार प्राप्त होता है कि अपने सदस्यों की योग्यताएं निश्चित करें। और यदि इस बारे में योग्यताओं के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस बारे में संबंधित सदन ही इस बारे में फैसला करता है। अगला है प्रत्येक सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने दो तिहाई बहुमत से
प्रस्ताव पारित करके सदन सदस्य किसी भी सदस्य की सदन की सदस्यता को मुक्त कर सकता है। तो प्रत्येक सदन को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सदन के किसी भी सदस्य की सदस्यता को मुक्त कर सकता है। अगला है राजवंश के उत्तराधिकारी संबंधी जो भी कानून है उसका निर्माण डाइट ही करती है और तथा इस बारे में किसी भी तरह का जो विवाद उत्पन्न होता है राजवंश के उत्तराधिकारी संबंधी कानून के बारे में तो उस तरह के विवाद पर डाइट ही निर्णय देती है, डाइट का निर्णय ही अंतिम होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने जापान की डाइट की जो शक्तियां देखी, कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और अन्य शक्तियां देखी, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान की डाइट वास्तव में जो है उसे प्रमुख शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं और इसी कारण हम देखते हैं कि जापान की डाइट जो है वास्तव में इतनी शक्तिशाली है कि वो अपने सभी प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक जो है संचालित करती है। तो देखिए जापान की डाइट का हम देखते हैं कि डाइट की शक्तियां और कार्य जो हमने देखे, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान की डाइट का जो शक्तियां और कार्य हमने अभी पढ़े, तो देखिए इन शक्तियां और कार्यों का हमने जिस प्रकार से अभी स्पष्ट रूप से समझा और देखा कि जापान की डाइट जो है एक शक्तिशाली संस्था है और अपने विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक और वित्तीय क्षेत्र में उसे सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। अब हम डाइट का मूल्यांकन की बात करते हैं। देखिए डाइट का मूल्यांकन, डाइट का मूल्यांकन, डाइट का मूल्यांकन, तो देखिए डाइट की शक्तियां और हमने देखा कि वस्तुतः कानून एवं सिद्धांत की दृष्टि से वस्तुतः कानून एवं सिद्धांत की दृष्टि से जापान की डाइट डाइट शासन के सभी विभागों से ऊपर है, दृष्टि से जापान की डाइट शासन के सभी अंगों से ऊपर है, शासन के सभी अंगों से ऊपर है और अंगों से ऊपर है और उसे विधायी, प्रशासनिक और उसे ऊपर है और उसे विधायी, प्रशासनिक और उसे विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा न्यायिक क्षेत्रों में अत्यधिक
वित्तीय क्षेत्रों में अत्यधिक अत्यधिक व्यापक शक्तियां अत्यधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं अत्यधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए इस प्रकार हम यह देखते हैं कि डाइट की उपरोक्त शक्तियां, तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में संसदीय शासन व्यवस्था है और वहां पर भी ब्रिटेन में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में भी व्यवस्थापिका पर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल का नेतृत्व दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि जापान में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि डाइट को जो है महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में भी व्यवस्थापिका को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और व्यवस्थापिका किस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल के निर्माण में भूमिका उसकी होती है, प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान की डाइट जो है उसे कार्यपालिका, विधायी, न्यायपालिका क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और जापान की डाइट जो है एक सर्वोच्च संस्था है क्योंकि विधि निर्माण में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और जापान में एकमात्र संस्था डाइट ही है जो कि कानूनों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जापान की डाइट को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। तो देखिए जापान में हम देखते हैं कि दली व्यवस्था भी वहां पर है, संसदीय व्यवस्था होने के कारण, और हम देखते हैं कि वहां पर दली व्यवस्था किस प्रकार से द्विदलीय व्यवस्था की तरह ही है। तो डाइट की रचना, इसके डाइट की रचना बहुदली होती है और मंत्रिमंडल का गठन अनेक दलों से होता है। तो देखिए इस प्रकार जापान में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है डाइट इन कार्यों को जो महत्वपूर्ण रूप से करती है। तो देखिए हम देखते हैं कि डाइट जो है वर्तमान में उसकी शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और डाइट की जो वर्तमान शक्तियों में हम देखते हैं किस प्रकार से पतन हुआ है। तो जिस प्रकार ब्रिटेन और भारत में भी देखते हैं हम कि शक्तियों में निरंतर व्यवस्थापिका की शक्तियों में निरंतर जो है ह्रास होता जा रहा है, तो डाइट की शक्तियों में भी पतन निरंतर हो रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जापान की डाइट जो है एक तरह से एक शक्तिशाली संस्था है क्योंकि कानून निर्माण के क्षेत्र में जो उसे शक्तियां प्राप्त हैं उन शक्तियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जापान की डाइट विधायी क्षेत्र में कानून निर्माण करने वाली एकमात्र संस्था है और इसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां और महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए इस प्रकार हम जापान की डाइट का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम इस प्रकार यह कह सकते हैं कि जापान की डाइट जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है जबकि इसकी विधायी शक्तियों में जो है ह्रास होता जा रहा है, इसकी विधायी शक्तियां दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डाइट जो है एक उदारवादी संविधान पर आधारित है और संसदीय शासन व्यवस्था के पूर्ण अनुरूप है। तो डाइट की जो उपयोगिता है वो जापान की संसदीय शासन प्रणाली में हमें महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध होती है कि जापान की डाइट संसदीय शासन में उसका पूर्ण रूप से हम देखते हैं महत्व है और जापान की
संसदीय शासन व्यवस्था में डाइट एक महत्वपूर्ण संस्था है और उसके महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियों के आधार पर, जबकि हम देखते हैं कि आज वर्तमान में व्यवस्थापिका की शक्तियों में निरंतर कमी होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जापान की डाइट एक शक्तिशाली संस्था है और किस प्रकार अपने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायिक कार्यों को बहुत ही जो है कुशलता के साथ में संचालित करती है।